कांग्रेस पर जाकर न सिर्फ अपनी जीत का झंडा गाड़ा है बल्कि पहली अश्वेत महिला बनने का लक्ष्य भी हासिल किया है। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। इस बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर फतेह का परचम लहराया है सराय निकुसी खुमालो ने। 47 साल की सराय निकुसी खुमालो ई कॉमर्स में काम करती है। खुमालो खराब मौसम में भी सिर्फ अपने हौसले और साहस की बदौलत लगभग 29,000 फुट की चढ़ाई करने में कामयाब रही। वाकई में उनका ये साहस और हिम्मत की पूरी दुनिया आज कायल हो गई है। आपको बता दें कि सराय निकुसी खुमालो ने इससे पहले 3 बार पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब रही। इस बार खुमालो ने माउंट एवरेस्ट पर जाकर न सिर्फ अपनी जीत का झंडा गाड़ा है बल्कि ऐसा करने वाली वो पहली अश्वेत महिला बनने का लक्ष्य भी हासिल कर चुकी है। इसके अलावा खुमालो ने 5 अलग अलग पहाड़ों पर चढ़ाई कर जीत हासिल की है जिसमें तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, अर्जेंटीना में एकक नगुआ और रूस में माउंट एल्ब्रस शामिल है। चढ़ाई से मिलने वाले पैसों को खुमालो अफ्रीका में बच्चों की शिक्षा में दान कर देती है। एवरेस्ट नेपाल चीन सीमा पर फैली दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब तक लगभग 5,000 लोगों ने एवरेस्ट की पहाड़ी पर चढ़ाई की है। पहली बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोंगे शेरपा ने 1953 में बनाया था।